बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर मस्ट VBI क्वेश्चन लाइए पार्ट थ्री का सेशन 19 से 22 का, या आप पार्ट थ्री में पढ़ रहे हैं तो यह क्वेश्चन आप ही के लिए है दोस्तों, ठीक है। और यह वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स पेपर 5 का, बारी बारी से आज हम पॉलिटिकल साइंस का ला रहे हैं, कल हिस्ट्री ऑनर्स का लाएंगे, उसके बाद हिंदी ऑनर्स का लाएंगे दोस्तों। बारी बारी से क्वेश्चन तैयार हो रहा है टीचर लोगों के द्वारा, और बारी बारी से 5, 6, 7, 8 पेपर तक कंप्लीट वीडियो आप सभी दोस्तों को 15 या 17 तारीख के अंदर में दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मस्ट VBI क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और आप सभी दोस्तों को यह PDF चाहिए तो हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको PDF मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 है, उसके बाद 6, 7, 8 आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का परीक्षण कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। चौथा में दिया गया, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण कीजिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर एक निबंध लिखिए। छठा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, पदोन्नति का अर्थ बताइए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। साथ में दिया गया, एक संतुलित बजट के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आठवें नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। नौवें नंबर में दिया गया है, भारत में प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व का विश्लेषण कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन है दसवां नंबर, भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं का विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यह टोटल 10 क्वेश्चन में से एक जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अध्ययन, यह इसमें का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 10 क्वेश्चन और इसमें, तो यहाँ पर लिखा गया है, लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र का विवेचना कीजिए। दो नंबर में दिया गया है, लोक और निजी प्रशासन की समानताओं का विवेचना कीजिए, ठीक है। इसमें का जो ये वाला दो नंबर पॉइंट है दोस्तों, दो नंबर, यह सबसे ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पॉइंट आउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर कहाँ से मिलेगा तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे वीडियो इस पर बना हुआ है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका से बताया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यह इस साल का सबसे VBI क्वेश्चन रहेगा। तीन नंबर में दिया गया है, FW Taylor के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथे नंबर में दिया गया, विभागीय संगठन के आधारों का विवेचना कीजिए। पाँचवें नंबर में दिया गया, भारत में उच्चतम लोक सेवकों की भर्ती पद्धति का परीक्षण कीजिए। छठे नंबर में दिया गया, कार्य निष्पादन बजट का मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। सातवें में दिया गया है, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण कीजिए। आठवें नंबर में दिया गया, संचार संगठन की रक्त धमनियाँ है, विवेचना कीजिए। नवे नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, सामान्य एवं विशेषज्ञों के बीच विवाद के कारणों का विवेचना कीजिए। दसवें नंबर में, नौकरशाही और राजनीतिज्ञों के बीच में संबंधों का परीक्षण करना है, ठीक है। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन कवर किया है और दो क्वेश्चन सबसे VBI क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और टॉप 7 क्वेश्चन आपको देंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का। तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट में क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन के शास्त्रीय उपागम की, यहाँ पे दिखा दिया है शास्त्रीय उपागम की विवेचना करें। दो नंबर में दिया गया, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही VBI क्वेश्चन है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन के भूमिका की व्याख्या करें, इस क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा था जब हमने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे देखिए, संगठन ये वाला, विकासशील देशों के में लोक प्रशासन के भूमिका की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें का यह VBI क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन, संगठन की परिभाषा दे और संगठन के सिद्धांतों की विवेचना करें, यह भी क्वेश्चन इस साल के एग्जाम के लिए मस्ट VBI क्वेश्चन होने वाला है, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया, स्वतंत्र नामिकीय आयोग से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें।
छठे नंबर में दोस्तों दिया गया है कार्मिक प्रशासन में पदोन्नति के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। आठवें नंबर में, सातवें नंबर में दिया गया है भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। आठवें नंबर में दिया गया भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के उपायों की विवेचना करें। नौवें नंबर में दिया गया है क्षेत्र मुख्यालय संबंध के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करें। दसवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं पर एक निबंध लिखे। तो इसमें का भी यह क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने टोटल 30 क्वेश्चन कवर कर लिया, 20 क्वेश्चन को और कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने 10 क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस अनर्थ पेपर 5 का टॉप 10 क्वेश्चन। यह तो लोक प्रशासन की परिभाषा दी है, 100% अनिवार्य है कि आपके पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 में लोक प्रशासन पर एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही। यहाँ पे 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जब होगा तो 100% है कि आपका रहेगा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 में लोक प्रशासन से क्वेश्चन, ठीक है। तो लोक प्रशासन से जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें का जो महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं और जो क्वेश्चन इसमें का दिया गया है। तो एक में तो दिया गया है लोक प्रशासन की परिभाषा दें एवं इसकी प्रकृति की विवेचना करें। दो नंबर में दिया गया है लोक प्रशासन के अध्ययन व्यवहारवादी उपागम का परीक्षण कीजिए। तीन नंबर में दिया है लोक निगम से आप क्या समझते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। चौथे नंबर में दिया गया प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका का परीक्षण करें। पाँचवें नंबर में दिया गया भारत में उच्च लोक सेवकों की भर्ती कैसे होती है। छठे नंबर में दिया गया है विभागीय संगठन के आधारों की विवेचना करें। सातवें नंबर में दिया गया सूत्र और स्टाफ अभिकरणों से आप क्या समझते हैं इनके मध्य संबंधों को रेखांकित करें। आठवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक संतुलित बजट के सिद्धांतों की व्याख्या करें। नौवें नंबर में दिया गया है प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व का विश्लेषण करें। दसवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भ्रष्टाचार नियंत्रण के उपायों पर एक निबंध लिखें। तो इसमें का दोस्तों जो क्वेश्चन मस्त है वह क्वेश्चन एक नंबर जो कि यहाँ पे लोक प्रशासन की परिभाषा दे और इनकी प्रकृति की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन विभागीय संगठन वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख लिए लोक प्रशासन की क्षेत्र की विवेचना करें, लोक प्रशासन के अध्ययन की उपागम की विवेचना करें, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना करें, चौथे में दिया गया है लोक नियमों के विशेषताओं एवं गुण दोषों की विवेचना करें, पाँचवें नंबर पोस्ट कॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छठे नंबर में दिया गया क्षेत्र मुख्यालय संबंध का वर्णन करें। सातवें नंबर में दिया गया भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया का परीक्षण करें। आठवें नंबर में दिया गया प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की तकनीकों की विवेचना करें। नौवें नंबर में प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं प्रकारों की विवेचना करें। दसवें नंबर में दिया गया भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं पर एक निबंध लिखें, ठीक है। तो इसमें का जो क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण है वह है लोक निगमों की विशेषताओं एवं गुणों दोषों की विवेचना करें, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो यह क्वेश्चन अच्छा नहीं है क्वेश्चन। तो हमने इस वीडियो के अंदर में टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किया है और उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन को हमने VBI क्वेश्चन आपको बताया है। तो उन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपको यह PDF चाहिए तो उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि यह PDF आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। और आंसर भी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका आंसर भी बताएंगे, नहीं तो आप गूगल यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस अनर्स पेपर 6 का वीडियो लेकर।